नेताजी में आज हमारे मेहमान होंगे गया जिला महानगर जदयू उपाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा। गौरव जी आपका स्वागत है हमारे शो कहिए नेताजी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा शो का मकसद है कि बिहार में चुनाव भी है और साथ साथ कोरोना महामारी भी है, इस बीच हम लोग स्थानीय स्तर से जिला स्तर के सभी नेता से गेट टुगेदर हो रहे हैं कि किस तरह से तैयारी आपकी सरकार की है और आपका ये चुनाव में भी जाने वाले हैं पूरी पार्टी। तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा, हमारे पास पांच विभाग सवाल है और पांच विभाग सवाल का हम जवाब भी बेबाकी से चाहेंगे। पहला सवाल आपसे, जदयू की ओर से कोरोना महामारी में किस तरह का भूमिका पूरे बिहार में रहा? देखिए, जहाँ तक बात है COVID-19 की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाकी राज्य की अपेक्षा जी रिकवरी रेट अगर बिहार का देखा जाए तो सबसे बेहतर है 87.95, जबकि देश का रिकवरी रेट देखा जाए COVID-19 का तो 71.67। तो मैं तो ज़रूर कहता हूँ कि बाकी राज्यों से बिहार की स्थिति बहुत ही बेहतर है। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख के तकरीबन बिहार में COVID-19 की जांच की जा रही है जी, और अब मात्र हमारे यहाँ 15,954 केसेस पॉजिटिव अभी है आज की तारीख में देखी जाए तो। तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जदयू की सरकार में COVID-19 की स्थिति बाकी राज्यों से बहुत ही बेहतर है। जिस तरह से गौरव जी का कहना है कि COVID-19 में बिहार का जो रेशियो है सुधार में भारत के रेशियो अनुसार अभी सबसे अच्छा है। कुमार गौरव जी, दूसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में आपका और आपके पार्टी का गया जिला स्तर पर किस तरह का भूमिका रहेगा? आपके पार्टी का तो विधायक यहाँ पर से खड़े होंगे नहीं, चूंकि विगत कई सालों से बीजेपी के खाते में गया का सीट गया है नगर का, लेकिन आप लोग की किस तरह की भूमिका रहेगी? देखिए, सीट तो बीजेपी का है लेकिन अभी हम लोग NDA की सरकार चल रही है, हम लोग साथ में हैं, तो बीजेपी की सीट होने के बावजूद भी मेहनत तो हम लोग को मिलके यहाँ पे करना है, चुनाव की तैयारी हम लोग को मिलके करनी है सारे जगह में पूरे बिहार में। तो मुझे नहीं लगता कि पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, चूँकि जिस तरह बिहार सरकार 15 सालों में काम किए है जी, तो लोगों के सामने बहुत ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि बिहार सरकार ने क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चुनावी माहौल है, उसमें तो हम लोग को मेहनत करना है, हम लोग बूथ लेवल पे मेहनत करेंगे, इस तरह से हम लोग को आदेश किया गया है, बूथ लेवल पे हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ताकि चूंकि किसी भी चुनाव का बेसिक जो स्टेज होता है बूथ लेवल से हम लोग लेकर के चलते हैं, तो आगे जा करके हम लोग छोटे छोटे जगह से, प्रखंड से, सब जगह से ये एक करके हम लोग चुनाव को बहुत ही बढ़िया से निकाल सकते हैं। जी गौरव जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि 15 साल बनाम 15 साल, यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से RJD का शासन 15 साल जी से था और अभी आपके जदयू का शासन चल रहा है बिहार में, यानी गठबंधन NDA गठबंधन का चल रहा है जी, तो आप इसे किस तरह से आंकना चाहेंगे 15 साल बनाम 15 साल को? देखिए, मैं तो कहते रहूं तो घंटों लग जाएगा जी, जो बातें सच है, लेकिन मैं 2 मिनट में बहुत बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज से 15 साल पहले की स्थिति क्या थी। पहला, रोड की व्यवस्था देख लें, हम लोग कहीं जाने से सोचते थे, महिला सुरक्षा, हमारी घर की माँ बेटियां शाम में 4 बजे के बाद निकलना नहीं चाहती थी, आज देख लीजिए बिहार में बेखौफ लड़कियां रात के 9 बजे तक घूम रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, बच्ची पहले लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती थी, हमारी घर की बेटी लोग है जो ग्रामीण क्षेत्र पे है खास करके, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको ड्रेस दे करके साइकिल दे करके प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से बाकी राज्यों के मुताबिक देखा जाए तो हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा में बहुत ही ग्रोथ हुआ है।
बिजली की व्यवस्था, पहले हम लोग बिजली का तार पे कपड़ा सुखाने का काम करते थे, आज देख लीजिए बिजली की क्या व्यवस्था है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पानी की व्यवस्था, हर घर नल जल योजना के तहत हर गांव में, हर प्रखंड स्तर पर, हर घर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नल का व्यवस्था करवाया गया। शौचालय का देखा जाए, पहले कोई व्यवस्था नहीं था, लोग खेत खलियान में जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती थी, महामारी भी होती थी। लेकिन आज हर घर में, ग्रामीण लेवल पे देखा जाए तो, चूंकि हम लोग शहर में होते हैं तो बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें क्या बदलाव हुआ है, इसमें कहीं कोई कहने वाली बात नहीं है, वो देखने की चीज है। कुमार गौरव जो कि जदयू से हैं, उनका साफ कहना है कि 15 साल बनाम 15 साल में विकास हुआ है। इनका साफ कहना है कि विकास हुआ है, जल जीवन हरियाली, यूं कह सकते हैं कि बिहार में पहले रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खराब था, अब रोड चलने योग्य हो गया है, साथ साथ हरियाली भी है, हर जगह नल जल का भी योजना चल रहा है। पढ़ाई में इन्होंने कहा कि लड़कियों को जिस तरह से पहले पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन लड़कियां जा रही हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल तो आपका शासन गवर्नमेंट अच्छा चला, लेकिन पिछले दिनों बहुत ही बिहार में रेप की घटनाएं बढ़ी है, जिस पर बिहार की नेत्री राबड़ी देवी का भी एलिगेशन 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि बिहार रेप में नंबर 1 प्रदेश बना है हिंदुस्तान में, आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक बात रहा राबड़ी देवी का, तो विपक्ष का काम ही है अच्छे चीजों को बुरे बातों से प्रोत्साहित करना, ताकि जनता की नजर में, अभी चुनाव का वक्त है, ताकि जनता की नजर में जदयू का बुरा छवि बने। लेकिन जनता सब जानती है राबड़ी देवी आपने क्या किया, आपने तो परिवारवाद किया, जदयू में ये चीज नहीं है, जदयू में सभी लोगों को मौका मिलता है, आपके बच्चे, आपके बेटी, आपके बेटे, आपके पति, पूरा पारिवारिक पार्टी। कांग्रेस में भी वही स्थिति है, पूरा पारिवारिक पार्टी, लेकिन जदयू में कोई उठा के देख लेना साहब, किस जाति के लोग नहीं है, किस धर्म के लोग नहीं है जदयू में, कोई पारिवारिक पार्टी जदयू नहीं है। इसलिए ये सब कहना, पार्टी को बदनाम करना और पार्टी की छवि को खराब करने की नीति से लोग ऐसा कहते हैं। बाकी राज्य है तो घटना तो सरकार किसी की भी हो, कुछ ना कुछ घटती ही है, लेकिन ये देखा जाए कि घटना घटने के पश्चात तुरंत कार्रवाई हो रही है और तुरंत उसका ये आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई घटना घट रहा है तो पहले क्या होता था, सिर्फ 15 साल पहले की जो बात है, पुलिस पहुंच नहीं पाती थी, लोग एक FIR करवा नहीं पाते थे, लोग थाना जाने से डरते थे। आज ये स्थिति है, गरीब से गरीब लोग थाना जा रहा है, उसका एक बार में FIR हो रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है गौरव जी कि हम पार्टी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी आपके साथ में आने वाली है, यानी जदयू के खास पहल पर NDA में शामिल होने वाले, ऐसा सूचना है सूत्रों के आधार से, लेकिन आपका क्या मानना है, क्या आने से पार्टी और भी मजबूत होगा? देखिए, जैसा कि आपका कहना है, हम पार्टी जदयू में तो शामिल होना चाहती है, हम लोगों को भी जहां तक पता है ये बात सच है, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से इस पर कुछ खुलकर बयान नहीं आया है, तो हम लोग को जमीनी लेवल से कहना कुछ उचित नहीं होगा। इस बार बिहार चुनाव किसके किसके बीच में होने वाला है, मतलब किससे डायरेक्ट टक्कर रहेगा NDA का? देखिए, बात रही टक्कर की, तो NDA तो सभी जाति सभी धर्म के लिए है ये सरकार, बाकी पार्टियों में तो जातिवाद होता है, वो पार्टी है तो उस जाति के लोग का वहां पे ज्यादा जगह है, इस पार्टी में उस जाति के लोगों का ज्यादा जगह है, लेकिन NDA ही मात्र एक ऐसी पार्टी है, NDA का ही गठबंधन एक मात्र ऐसा बंधन है जिसमें सभी जाति के सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं कहा जाता है। अगर NDA चुनाव जीतती है तो कैसा, कौन सा, क्या लगता है कि आपका चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, फिर से नीतीश कुमार होंगे या चेहरा में तब्दीली होगा? जहां तक बात रहा मुख्यमंत्री के चेहरे का, तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि बिहार में अभी तक जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है, तो एक बार इनको और मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आया है कि इस बार हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कुमार गौरव जी से एक सवाल, मैं अहम सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जदयू के सशक्त सिपाही हैं, आप कैसा बिहार चाहते हैं एज ए नागरिक, बिहार के नागरिक और साथ साथ जदयू के एक सशक्त सिपाही के हैसियत से आप किस तरह का बिहार का ख्वाब देखते हैं, आप सोचते होंगे कि ऐसा बिहार हो ताकि बहुत बेहतर लगे?
देखिए मेरा बस एक यही सपना है, बिहार का नाम जिस तरह पहले बदनाम था, लोग बिहारी शब्द कहने से कतराते थे दिल्ली मुंबई में जाकर के, मुझे वो दिन याद है। मैं उस समय छोटा था, मुझे एक बार की बात याद है, मैं अपने पिताजी के साथ अपने दादाजी के ये उनके दिखलाने के लिए गया था डॉक्टर के यहाँ। डर लगता था बिहारी कहते हुए, लोग मना करते थे कि मत कहना बिहारी है, लेकिन फिर भी हमारे बोलचाल के भाषा से लोग पकड़ लेते थे। आज की स्थिति देखा जाए तो कहीं ऐसा नहीं है, बिहारी को इज्जत मिलता है। आज मगध यूनिवर्सिटी का डिग्री लेकर जाइए, आपको नौकरी करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ विकसित बिहार हो और बाकी राज्यों से बेहतर बिहार हो, कि लोग एक बार बिहार आना चाहें। और लोग चाहते हैं, आज आप नालंदा जाकर देख लीजिए कितना सुंदर हो गया है, आप बोधगया जाकर देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, बिहार में हर दिन विकास हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस बार सत्ता में आए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे विश्व में बिहार का एक अलग पहचान होगा, मेरा ये वादा है जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे साथ आज के मेहमान थे कुमार गौरव, जो कि गया जिला महानगर उपाध्यक्ष हैं जदयू से, और बहुत ही सशक्त के साथ इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जदयू की ओर से बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया पूरे बिहार में 15 साल बनाम 15 साल में, और आने वाला दिन में बिहार का एक नाम होगा। अगर एक मौका नीतीश कुमार को फिर से मिलता है तो बिहार में एक बार फिर से परचम लहराने के लिए हम सब तैयार हैं। एक सशक्त जदयू के सिपाही के हस्ते इन्होंने कहा कि वाकई में बिहार में तब्दीली हुआ है और एक मौका नीतीश कुमार को एक बार फिर से मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौरव जी कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।